चौक। फर्स्ट क्वेश्चन, रीमा टोक 5 ml ऑफ नेट नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट? PbNO3। इन अ बीकर एंड एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के आई, व्हाट इट विल बी फॉर्म्ड? बेटर यहां पे समझ लो, नो नीड टू नोट इट डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड यू कि आई विल सेंड इन द ग्रुप, सो लर्न इट हियर, ठीक है? But it will be formed. But is the reaction? Which type of reaction is this? Double displacement. Why double displacement? Exchange of. Okay. But it will be formed. Tb plus. What is the color of the precipitate? What will which one will form the yellow precipitate? PbI2. ठीक है, आपको क्वेश्चन था आपको कि दे है टेकन दीज टू, एसीबीएस वाले मैं सेकंड शुरू करवा देती हूँ, ठीक है? दे टोल्ड कि ये दो चीजें ली हैं, तो कौन सा हमारे पास कलर बना प्रेसिपिटेट का, तो कौन सा कलर बना प्रेसिपिटेट का? येलो प्रेसिपिटेट। Is it clear? Yellow precipitate of lead iodide. Clear hai bete? And this type of reaction is called double displacement reaction. What is the meaning of double displacement? Exchange of ions. Now they are saying which one is showing the endothermic, is not an endothermic reaction. I am not writing the balancing. I am not doing the balancing. Just check it out. Which one is not an endothermic reaction? कौन सी endothermic reaction नहीं है? अच्छी तरह से सोचो. कैसे? कैसे? विच इज नॉट एन एंडो, विच इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसने लास्ट बोला था? क्यों? दैट इज द एक्सोथर्मिक, ठीक है? लास्ट वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ एंडोथर्मिक। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करंट पास करोगे तो यू आर प्रोवाइडिंग द, ठीक है, हियर द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही करते हैं हम, ठीक है? तो हियर इट इज, दिस इज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, डबल डिस उसमें बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। यही है। ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सी है? बट विल बी द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट किसके? ठीक है जी, इज इट क्लियर? देन एक जो अभी आपको पेपर में आया था वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सेट बी का, आई थिंक 3 beakers ए बी सी कंटेनिंग 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला था ना, एनहाइड्रस, वही है, वो रहने देते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज अकर्ड, एंड सी में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज अकर्ड। सी में एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी। व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद द बेस?
ये तो ऐसे ही बता दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये तो सिंपल ही उसने पूछा है कि क्या क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज, कैसे कैसे, मैं इंक्रीज पे नन्ना कर दूंगी तो ये थोड़ा ना, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो गया वो आपको पता है, सॉल्ट बन गया वो भी आपको पता है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज होता, अच्छा मुझे डिक्रीज सुना था, सही बोला था राघव, बी कॉन्फिडेंट, इंक्रीज होता है जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। यही क्वेश्चन पीछे भी था ना, NaCl वाला जो 3 beakers में लिया है, तो वो भी हीट जो है दैट इज द टेम्परेचर जो है दैट इज इंक्रीज। ठीक है, दो चीजों से जब सॉल्ट बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपरेटस सेट करा हुआ उन्होंने कि बल्ब ग्रो कर रहा है, राइट, एंड द सोल्यूशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सेटअप है, बीकर है, अपरेटस सेटअप है, बल्ब ग्लो कर रहा है, नीचे सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस सॉल्ट, व्हाट इज दिस, व्हाट इट विल डू व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट विल पास, डिसोसिएट इनटू सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन, मींस डिसोसिएट इनटू फ्री आयंस, व्हेन द फ्री आयंस आर देयर देन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल। अब क्वेश्चन की वो सुनिए, बल्ब विल ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज एन नॉट एसिडिक, इसलिए बल्ब ग्लो करा, बल्ब विल ग्लो बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस इनटू फॉर कंडक्शन। ठीक है, आगे वाले दोनों हैं, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है तो ऊपर वालों में से देखना था, That means it dissociate into ions for the conduction. Conduction carry करके लेके जाने के लिए free ions will be there and that's why the bulb will glow. Next question है, without question में लिखे बिना मुझे बताओ, chlor alkali process की equation क्या है? Last bench, chlor alkali process equation. Last, I am asking reaction of chlor-alkali process. Who knows? Bas? Bolo. This is the chlor-alkali process reaction. What is this called? Other name, bi-brine. What is meaning of brine? Aqueous solution of sodium chloride is called brine. Why this process is called chlor-alkali process? Formation of chlorine and alkali, that is base. ठीक है जी, अब paper में जो यहाँ पे question है, they are saying कि इसको क्या करो, चारों इक्वेशन यही हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इनके, ये चेंज है, ओके, ये करेक्ट करने हैं। मैं वहीं से बिना देखे हम लोग अपने आप करते हैं। अभी हमने NaCl किस फॉर्म में होगा, क्यों हम ब्राइन किसको बोल रहे हैं, तो फिर ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस, वॉटर फॉर कंडक्शन के लिए वी आर एडिंग, बट NaCl एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, सो दिस इज एक्वस, व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे गैस हुई, कोई इश्यू नहीं, क्या बाद में सॉलिड बन जाएगा एक्वस से, इज इट क्लियर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के साथ ये तो इसका हो गया जो इसमें था, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ दिस स्पेशल मेन यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पेपर एंड वेयर इट इज नॉट यूज्ड, जो हमने एक मेन करा है, ग्लास इंडस्ट्री में ये यूज नहीं होता. व्हाट इज यूज इन द ग्लास इंडस्ट्री, व्हाट इज द फार्मूला, Na2CO3.10 मोल. व्हाट इज द मेन अदर यूज ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, एक तो हो गया कि दैट इज यूज इन द ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है, ये यूज होता है पेपर एंड सोप इंडस्ट्री, सोडियम कार्बोनेट यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री. व्हाट इज द अदर यूज ऑफ द सोप सोडियम कार्बोनेट, मेन फीचर, मेन करेक्टर, कौन बोला इधर, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर, ठीक है. दैट्स वाई आई एम सेइंग ना कि फ्रॉम द वन क्वेश्चन वी कैन रिवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट दैट इज ओनली पॉसिबल वेन यू नो द कॉन्सेप्ट, वेन द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. सो इफ एनी वन इफ नॉट क्लियर ना, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, प्लीज स्पेयर सम टाइम एंड कम टू मी. क्लियर, दैट इज टू मेन फीचर्स हो गए सोडियम कार्बोनेट, वन इज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर, अदर यूज इन ग्लास इंडस्ट्री मेन, ठीक है जी. नाउ दिस इज यूज इन द सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, क्लोरीन डिसइंफेक्टिंग वॉटर सप्लाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, जी इज फॉर्म्ड, ठीक है जी. अब नाउ दे आर सेइंग एक्स लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, व्हाट एक्स इंडिकेट, If it is it loses its electron, what does it mean? Very nice. If it loses electron, then these are called metals. Metals are electropositive. These loses electron, ये lose कर रहे हैं, ये gain कर रहे हैं, एक compound बन रहा है, जी. Can you tell me, इतने से ही बताओगे कि lose और gain कर रहे हैं तो what compound, which type of compound is formed? Ionic compound, ठीक है? नहीं, ये देखना. If I am writing in this form, ठीक है? तो what it will be formed? So what is this? Ionic compound, ठीक है? Question सुनिए क्या है? Loses electron and y gains electron. Which of the following properties not shown by Z? कौन सी प्रॉपर्टी Z शो नहीं कर रहा? सुनो, it has high melting point, it has low melting point, conduct electricity, occurs as solid. क्यों? Ionic compound की properties में high. क्या क्या थे ionic compound? Example sodium chloride. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड. बच्चे ध्यान इधर, अगर सोडियम क्लोराइड नमक सॉलिड है, क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टलाइन, ठीक है, देन सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्युबल इन वॉटर, ठीक है, नमक घुल जाता है, सॉल्युबल इन वॉटर. थर्ड, देन इट इज सॉल्युबल, दैट मीन्स इट विल डिसोसिएट इन टू फ्री आयन्स, दैट मीन्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल. थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, लाइक हाँ, ट्रांसफरिंग ऑफ द आयन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए. बच्चे इलेक्ट्रॉन्स, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया. तो सोडियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और बिटवीन द एलिमेंट्स, ठीक है. तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था? लो मेल्टिंग है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है? हाई मेल्टिंग. क्लियर है सबको? श्योर? देखो एक क्वेश्चन में फिर वही कह रही हूं, एक क्वेश्चन से हमने चार चीजें साथ में रिवाइज हुई. नेक्स्ट है अ स्मॉल, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन अ बीकर, बीकर में गिरा, कंटेनिंग वॉटर, पानी था, सोडियम गिरा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट? सुनो, पहली है इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर टू फॉर्म अ सिल्वरी बॉल, इट डार्ट्स ओवर द सर्फेस ऑफ वॉटर एंड डिक्रीज इन साइज,
इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद द गोल्डन येलो फ्लेम. द वॉटर ऑन टेस्टिंग टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. नॉट करेक्ट. मैं आंसर समझाती हूं, सुनो. सोडियम क्लोराइड पानी में गिरा, सोडियम क्लोराइड कह, सोडियम पानी में गिरा, बट वी विल ऑब्जर्व. आप इस तरह से सोचो, आप इस तरह से मत सोचो कि विच इज इनकरेक्ट. जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस. सोडियम इज डिप या ड्रॉप इन द वॉटर. वट विल हैपन? वट इज योर ऑब्जर्वेशन? विग्रेसली रिएक्ट करता है, ओके. साइज छोटा हो सकता है क्योंकि नेचुरली वो मिक्स हो जाएगा, ओके. अदर क्यों नहीं करेगा? वो फ्लोट करते हैं. आई एम सेइंग कि इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस एज अ सिल्वरी बॉल. यस. अब आओ, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि जो छोटे होते क्रैकर्स होते थे स्नेक वाला, जो किसी ने चलाया कभी, छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्नेक से बनते थे लाइक. हाँ, क्या होता था व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट? तो वो क्या होता है, एकदम से बल्ज फूलता है, बड़ा होता है, साइज डिक्रीज. यही चीज सेम हियर. सोडियम क्लोराइड, सोडियम दैट इज द हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल. व्हेन वी आर एडिंग वाटर तो ये उसके साथ क्या करेगा, एकदम से बाहर आना है ना, उसने विग्रसली रिएक्ट है, ठीक है. तो इट बल्जिस एकदम से वो ऊपर की तरफ छपाक करके लाइक फ्लोट करेगा इमीडिएटली एज अ सिल्वरी बॉल, है ना. व्हेन यू आर एडिंग वाटर ये इमीडिएटली ऊपर की तरफ आएगा एज अ सिल्वरी बॉल एंड देन इसका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड इट कैचेस फायर. तो विच वन इज द इनकरेक्ट? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू. समझ आ गया? इट विल नॉट फ्लोट एज द कैल्शियम, ठीक है. वो तो वही रहेगा, ठीक है, बट इट विल रिमेन, मतलब इट कम्स इमीडिएटली ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर एज अ बॉल. देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग इन साइज एंड स्टार्ट बर्निंग. इफ उसी टाइम के लिए, जस्ट एज यू आर पोरिंग इट या यू आर पुटिंग इट, इट इमीडिएटली कम्स अप, छोटा, कैच फायर एंड फिनिश. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट था इसमें. देन आपके पास क्वेश्चन है यूजेस के ऊपर. आई एम राइटिंग द फार्मूलाज, दे हैड रिटन द नेम्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड अदर नेम इज ब्लीचिंग पाउडर. दूसरे नंबर पे सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर वन नेम इज, कर दिया ना हमने, अदर नेम इज बेकिंग सोडा. अदर नेम इज, व्हाट इज दिस? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अदर नेम इज सोडियम क्लोराइड. नाउ दे आर रिटन, दे हैड रिटन द यूजेस, अभी हमने डिस्कस कराई है. कौन सा जी? ये कोई भी ले लो. NaHCO3 is act as an antacid. Na2CO3 अभी हमने करा. NaCl, क्योंकि अभी हमने दो चीजें तो अभी डिस्कस करी थी. NaCl क्लोरोअल्कली प्रोसेस में इट रिलीजेस द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. Na2CO3 ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है. बेकिंग सोडा, वहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है तो डिस्कलरेशन लाइक वो जो ब्लीचिंग पर्पस के लिए यूज होगा. इज इट क्लियर? कोई डाउट? ठीक है. ये भी क्वेश्चन इसी में टेस्ट पेपर में आया, जस्ट हैव अ लुक. बस एक ये वाला क्वेश्चन करो. दे हैव टेकन थ्री कॉनिकल, मतलब कॉनिकल फ्लास्क दे हैव टेकन. दे शोड, धीरे धीरे उनको शो करके दिखाया उन्होंने. यहाँ पे एक बैलून लगाया है, राइट.
राइट. नाउ दे आर सेइंग कि इसमें लिया क्या उन्होंने, हियर दे हैव टेकन विनेगर, हियर दे हैव टेकन NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा. दे ऑब्जर्व बैलून इन्फ्लेट हो गया, साइज ऑफ बैलून इंक्रीज हुआ. पहले मुझे बताओ क्यों हुआ, ये क्या है विनेगर, ये क्या है एसिड एंड बेस रिएक्ट, लीव छोड़ दो. यहां भी ये क्या है NaH, what is present in NaHCO3, what will be the product, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स द गैस विल रिलीज. एनीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ विनेगर, पता है CH3 अब मैंने बोला हुआ था कि व्हेन देयर इज अ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, ये दो तो निकल नहीं निकलने, राइट. अब ये जो चीज है यहां से ये H पॉजिटिव है, यहाँ पे ये Na पॉजिटिव है, रिएक्शन आएगी या नहीं आएगी बात नहीं कर रहे, आई एम जस्ट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगी, ये बन जाएगा CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट. NCERT में एक आधी जगह पे है, कार्बन कंपाउंड्स में ये आपने करना ही नहीं है, लाइक दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि लिटिल बिट कहीं पे यूज हो तो आपको पता हो. वैसे भी आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आपको पता लगता है कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज, इज इट क्लियर. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, ये तो एक एक्स्ट्रा साइड हो गई. क्वेश्चन था बैलून वॉज फिल्ड विद द बेकिंग सोडा और उसमें हमने लिया विनेगर, स्लोली द शेप ऑफ बैलून चेंज, शी क्लेम्स दैट द चेंज हैपेंड व्हेन द टू सब्सटेंसेस वर मिक्स, इट इज द क्लेम मेड बाय द स्टूडेंट करेक्ट, बताना है सही है कि गलत है, कौन सा क्लेम. वो कह रही है यस अ न्यू सब्सटेंस वाज फॉर्मड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, सही है कि गलत. ठीक है, वैसे यही इसका आंसर है. आगे है यस द मास रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ये नो द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द मिक्सचर शोज अ फिजिकल चेंज, नो द चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ बैलून शोज अ फिजिकल चेंज, ऑप्शन पहली वाली है. दूसरी ऑप्शन रिमेन्स द सेम मास थ्रू आउट द सेम, कहीं हद तक ये भी सही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई वी आर सीइंग द फर्स्ट वन, क्योंकि हमें उसने क्या कहा, बैलून इन्फ्लेट हुआ, शेप जो बैलून का साइज है वो किसकी वजह से राइज हुआ, तो उसका आंसर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस. यस द मास रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, बट आई एम सेइंग अभी मोहित उसी का ही आंसर बोल रही हूं, दे हैड नॉट